नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जब उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह और तहसीलदार योगेश मिश्रा, सीएसपी वंदना चौहान अपनी टीम के साथ सिंधी कॉलोनी चौराहे पर समाज के दुश्मनों को लेकर चेकिंग कर रहे थे, उस दौरान बिना मास्क एक युवक जा रहा था। उसी दौरान उस व्यक्ति ने अपना परिचय पत्रकार होना बताया और पत्रकार का पावर दिखाने लगा। उसी दौरान मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही कर रहे थे। सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह और तहसीलदार योगेश मिश्रा द्वारा तुरंत नियम का उल्लंघन करने की कार्यवाही करते हुए मौके पर ही 200 रुपए का चालान काटकर नसीहत दी। पत्रकार के पास उस समय रुपए नहीं थे, जब तक खड़े रहे उसके बाद किसी से कार्रवाई के रूप में मंगवा कर दिए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस समय सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, मुख्य जी से कार्य कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? उज्जैन में जो कोरोना की दर बढ़ी है उसको देखते हुए दो प्रकार से पब्लिक में, आम जनता में जागरूकता बढ़ाने, साथ में गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ये कार्रवाई चौराहे चौराहे की जा रही है। सभी टीमें लगाई गई हैं, इसमें पुलिस और प्रशासन नगर निगम की जॉइंट टीम लगी है। ऐसे लोग जो गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं उनका मौके पर स्पॉट फाइन, साथ में कई ऐसे लोग जिनको बार बार ऐसा वायलेशन करते हैं तो उनको हम अस्थायी जेल, जो जेल वाहन उनके माध्यम से जेल भेजा जा रहा है, वहाँ उनको समझाइश दी जा रही है, साथ में उनको मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आम आदमी में जो बढ़ते हुए कोरोना है उसको रोकने के लिए उनमें खुद से जागरूकता उत्पन्न हो, न केवल वो स्वयं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी कोविड गाइडलाइन को पालन कराने में सहयोग करें।